बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर मैथमेटिक्स फॉर द ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 6। और यूनिट 6 है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री का आज जो कॉन्सेप्ट हमारे पास देखेंगे वो है पैटर्न। पैटर्न हमारे पास क्या होता है? पैटर्न बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक प्री डिफाइंड हमारे पास ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और पैटर्न्स हमें हेल्प करते हैं प्रिडिक्ट करने में कि नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आएगी वो क्या होगी। पैटर्न हमारे पास कलर्स के भी हो सकते हैं, नंबर्स के भी हो सकते हैं, शेप्स के भी हो सकते हैं, लाइंस के भी हो सकते हैं। पैटर्न्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं। कुछ पैटर्न 2 कलर्स के होते हैं, कुछ 3 कलर्स के होते हैं, कुछ स्किप काउंटिंग के पैटर्न्स होते हैं, कुछ आपको डिफरेंट मिलेंगे। अब इसी तक तस्वीर को हम देखें तो रियल टाइम एग्जाम्पल में ये एक ज़ेब्रा पैटर्न हमारे पास है। ज़ेब्रा पैटर्न अगर हम देखें तो ज़ेब्रा की पिक्चर को देखें तो देखें ब्लैक वाइट स्ट्राइप्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये पैटर्न है। और अगर ये नीचे ग्रीन और इसका पर्पल का हम ऑल्टरनेट देखें तो पहले ग्रीन है, फिर पर्पल है, फिर ग्रीन है, फिर पर्पल। ज़रूरी नहीं है कि ऑल्टरनेट ही हो, कभी 2 का स्किप भी हो सकता है, कभी 3 का स्किप भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न। अब इसी तरीके से हमने पैटर्न को देखना है पेज नंबर 125 पे। अब इस 125 पे हमने देखना है कि नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होगा। इट्स वेरी इजी बिकॉज इसमें 2 ही कलर्स हैं हर एक में, लाइक ये दिस। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा? हेयर ए, ब्लू येलो एंड हेयर ब्लू। नाउ अब यहाँ हमारे पास क्या है? ग्रीन क्रीम। सो नेक्स्ट कलर इज बेसिकली ग्रीन। नाउ ऑरेंज पिंक ग्रीन ऑरेंज। तो नेक्स्ट क्या आएगा? पिंक। नाउ अब ग्रोइंग पैटर्न्स हैं। अब ये पैटर्न्स बनते जा रहे हैं और हमने इनका अगला पैटर्न अब ड्रॉ करना है। नाउ अब इसको हमने ध्यान से समझना है। अब ग्रोइंग पैटर्न क्या है वो ध्यान से देखें। नाउ वन ट्राइंगल देन टू सर्कल्स हमारे पास हो गए। अगेन ट्राइंगल, नाउ हमारे पास क्या आएंगे? 3। तो अब अगेन ट्राइंगल के बाद कितने आएंगे? 1, 2, 3 एंड 4। नाउ इधर देखें, 1 के बाद ये एक स्केयर था, ये स्केयर 2 हो गए, ये स्केयर 3 हो गए, यहाँ पे स्केयर हो गए 4। तो अब आगे क्या आएगा? अब एक ट्राइंगल आएगा और कितने स्केयर आएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसको देखें, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल के बाद अगर आप देखें तो सब तो नहीं, 3 आ रहे हैं यहाँ पे। सो बेसिकली अब हमारे पास तो यहाँ पे कितने आने चाहिए थे? 4। यहाँ पर हम एक और ड्रॉ कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 यहाँ पर, 1, 2 एंड 3। तो अब एक ट्राइंगल के बाद हम यहाँ पे 4 सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे। नाउ यहाँ पे 1, 2, 3 और फिर 3 है, तो यहाँ पर हमारा एक सर्कल 4 के साथ ड्रॉ हो जाएगा। और ये हम जो ड्रॉ करेंगे वह आपने कलर भी करना है। इनके जो कलर आ रहे होंगे, ये पर्पल कलर का होगा, ये ग्रीन होगा, नेक्स्ट ब्लू होंगे, ये ग्रीन होंगे, ये वाले ऑरेंज होंगे और ये वाले रेड होंगे। नाउ नेक्स्ट है इनसाइड और आउटसाइड का कॉन्सेप्ट। अब अगर आप ये देखें, इनसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर होना। जैसे कि ये एक बेर है, बेर यानी कि भालू, भालू जो आपके पास है ये एक अपने गार यानी कि केव के अंदर है, और ये जो बेर है ये बेर आपका बाहर है, तो ये आउटसाइड हो गया। अब इसी तरीके से ये कैट जो है ये बाहर है बॉक्स के, तो इट इज़ आउटसाइड, और ये कैट अंदर है तो ये इनसाइड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई फॉर द इनसाइड एंड ओ फॉर द आउटसाइड। दिस इज़ ओ एंड हेयर इज आई। यहाँ पे ये लड़की अंदर है तो इनसाइड, ये लड़की बाहर है तो आउटसाइड। नाउ अबव एंड बिलो, ठीक है जी। अब ये क्या है? ये ऊपर है, अबव नीचे हो तो उसके नीचे हो, जैसे कि ये कार है, ये आपके पास आसमान पे ऊपर है आपका एरोप्लेन, तो अबव, और एरोप्लेन के नीचे आ रही है आपके पास कार, तो दिस इज़ बेसिकली बिलो। अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखें, द कैट इज़ अबव द टेबल एंड
बेसिकली जो डॉग है वो आपके पास बिलो है. नाउ अब आपने ए लिखना है अबव के लिए, बिलो लिखना है बेसिक के लिए लिखना है आपने बी. ए अबव, सो ये अबव है एंड दिस इज बिलो. दिस इज अबव, दिस इज बिलो. ओवर और अंडर, ओवर और अंडर का मतलब का कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो देखिए, ये ओवर है, ये नीचे है तो ये अंडर है. अब ये ऊपर है तो दिस पेंगुइन इज बेसिकली ओवर एंड ये आपके पास अंडर. नाउ दिस इज अंडर एंड दिस इज ओवर. फार और नियर, फार का मतलब होता है दूर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली गाड़ी बिल्डिंग से दूर है और ये वाली गाड़ी बिल्डिंग के पास है. अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो एक कैट है और एक बॉय है. कैट के, कैट जो है वो करीब है यानी कि नियर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एन, ये दूर है तो फार. दिस इज नियर एंड दिस इज फार फ्रॉम द हाउस. नाउ बिफोर और आफ्टर, यानी कि बेसिकली आपके पास ये आएगा कॉन्सेप्ट पहले और बाद का, ये पहले है ये आफ्टर है. नाउ विच बूगी इज आफ्टर द इंजन, ठीक है ये इंजन है तो उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी बूगी हमारे पास आ रही है, ये वाली बोगी आ रही है. कलर द शेप डैट इज बिफोर सर्कल, तो आप ये रेक्टेंगल को कलर करेंगे यहाँ पे. ये था हमारा आज का वीडियो लेसन. आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.